आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। देहरादून में दिन दहाड़े बड़ी लूट, ज्वेलरी शोरूम को लूट कर फरार हुए बदमाश, रोंगटे खड़े कर देगा सीसीटीवी फुटेज। ज्वेलरी शोरूम, करोड़ों के हीरे और सोने के जेवर, लुटेरे आए, शोरूम कर्मियों को बंधक बनाया, बंदूक की नोक पर लूट लिया पूरा शोरूम। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए, ये कोई हिंदी फिल्म की लूट की कहानी नहीं है बल्कि हकीकत है। देहरादून के राजपुर रोड के ज्वेलरी शोरूम को कुछ इसी अंदाज में आज सुबह लुटेरों ने लूट लिया। घटना आज सुबह 10:30 बजे की है। देहरादून पुलिस राष्ट्रपति के दौरे में ड्यूटी बजाती रही, इधर पीछे से राजपुर रोड में दिन दहाड़े लुटेरे ज्वेलरी शोरूम को लूट कर चलते बने। इस घटना का पूरा सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। फुटेज में देखा जा सकता है कि लुटेरे शोरूम कर्मियों की मदद से जेवर बैग में किस तरह से भर रहे हैं। ये डकैती देहरादून राजपुर रोड स्थित रिलायंस के ज्वेलरी शोरूम में डाली गई। सुबह शोरूम खुलने के साथ ही वारदात को अंजाम दिया गया। चोर पूरा शोरूम लूट कर अपने साथ ले गए। बदमाशों ने लूट की इस वारदात को महज 10 मिनट के भीतर अंजाम दिया। बताया गया कि बदमाश कार में सवार होकर आए, सुबह करीब 10:30 बजे शोरूम खुला और 5 लोग ग्राहक बनकर अंदर घुसे और गन पॉइंट पर कर्मचारियों को बंधक बना लिया। इसके बाद उन्होंने कर्मचारियों को पेंट्री में बंद कर दिया। सभी के हाथ प्लास्टिक की रस्सी से बांध दिए गए और कुछ शोरूम कर्मियों को गन पॉइंट पर लिया गया और उनसे कहा गया कि वो खुद जेवर पकड़कर उनके बैग में डालें। और इसके बाद बदमाश करोड़ों रुपए के हीरे और सोने के जेवरात लूटकर फरार हो गए। हैरानी की बात है कि पूरा शहर राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर हाई अलर्ट पर था। बावजूद इसके बदमाशों ने सारी सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस लुटेरों की खोजबीन में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।